जय निषाद राज, जय वीर एकलव। आज का मेरा विषय है निषाद कश्यप, यानी मछुआ समुदाय हिंदू नहीं है, आर्यों के आने से पहले और आदि काल से रहते आ रहे हैं। आर्यों का आगमन बाद में हुआ, जैसा कि हिंदू धर्म में कहा गया। ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, पेट से वैश्य, टांगों से शूद्र उत्पन्न हुए, क्योंकि हमारा निवास आर्यों के आने से पूर्व है, इसलिए हम हिंदू नहीं, हिंदू वर्ग में शूद्र भी नहीं हैं, आदि संस्कृति के लोग हैं। वर्ण व्यवस्था आर्यों ने लागू की, हमने नहीं। हमारा संबंध जल जंगल जमीन से है, आदि काल से वास करने वाले ही आदिवासी हैं। हिंदू धर्म में प्रत्येक जाति के अंतर्गत सात्र गोत्र होते हैं, इसमें बेटी बहू का गोत्र न मिले, यहाँ तक कि माँ बाप के गोत्र का भी बचाव किया जाता है। निषाद समाज अपनी जाति में ही विवाह करते हैं, लेकिन अपने समाज में शिक्षा के प्रसार के कारण अपनी उपजातियों में भी आपस में विवाह कर लेती हैं, लेकिन हमारे यहाँ गोत्र नहीं होते। अंग्रेजों ने हमारे समाज को एम्ब्रोंजिल यानी असली मूल निवासी कहा है। अच्छा, और ये आपका मछुआ समुदाय पहले से ही जनजाति है। तो रया जनजाति की उपजातियाँ धीमर, धीमर, कश्यप कहा है, जिनका हिंदू वर्ण व्यवस्था में कोई स्थान नहीं है। हमारा समाज एकलव्य निषाद राज की आदि राजाओं के वंशज कहलाते हैं। तो रहा जनजाति उत्तर प्रदेश शासन की अनुसूचित जाति की लिस्ट में 66 नंबर पर दर्ज है। जैसा कि धीमर कहा गया है, पहले धीमर जाति का कोई वर्णन नहीं था। धीमर का जो अर्थ है इस कंधकार से, यानी कंधे पर वजन ढोने वाले से है, इससे हमारा कोई वो नहीं है, इसलिए हम लोगों को तुरैहा को भी हिंदूकरण करा जा रहा है धीमर के नाम पर। लेकिन तुरैहा जो है जनजाति को जनजाति है, यह हिंदू नहीं, यह आदि जनजाति है और आदि समाज से संबंध रखती है। इसी वीडियो को अधिक से अधिक समाज में शेयर करें, जिससे अपने लोगों को मालूम पड़ सके कि हमारा समाज और हम लोग कहाँ पर हैं और हमें क्या करना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।